हेलो फ्रेंड्स, ये देखो आज वो दिन आ ही गया। आज मतलब इतना खुशी का दिन है कि प्रभु जी ने ठंडी ठंडी फुहारें चला दी हैं। ये देखो, चाहे वो एक एक दो दो बूंदी आ रही है लेकिन बारिश हुई है हमारे यहाँ। आज बड़ा खुशी का दिन है, सेलिब्रेट बनता है भाई। आज बारिश आ गई, ये देखो दिख रहा है ना आप लोगों को कितनी अच्छी बारिश हो रही है। तो 10-20 बूंदे बारिश की पड़ गई हैं, शुरुआत हो गई है। आज मौसम बड़ा बेईमाने है, आज मौसम बेईमाने है, बड़ा बेईमाने है आज मौसम। तो मैं आज ना गाना सूट कर रहा है इस पर, मतलब ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इतनी ही बारिश थी और ये अब जा रही है अपने मायके। ये थोड़ा ससुराल में घूमने आई थी, देखने आई थी माहौल, अब ये जा रही है। बारिश तो अनिल भाई आया है पोंटा से, कह रहा वो पोंटा तो बहुत भारी हो रही है। चीनी लेने गए थे ना डिपू की, पोंटा से बहुत बहुत बारिश हो रही है। हेलो कर, ये ब्लॉग बन रहा है। लोग खुश हो रहे, सड़कों पे उतर गए भाई है। भाभी के मायके में ओले इतने बड़े बड़े पड़ रहे हैं, यहाँ मन सही है। राजभवन तो अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या रहा है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही भाई हमारे इधर। आज ना बढ़िया बारिश हो गई हमारे इधर, मज़ा आ गया। और अभी ना 8 बजे हैं और इतनी बारिश हो रही ना, खुल के बारिश होगी, बिल्कुल ठंडा मौसम हो गया है हमारे यहाँ, चली गई हमारी। और मैं दुकान में ही हूँ अभी, मेरे पास छाता भी नहीं है घर जाने के लिए। और बारिश इतनी हो रही ना, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, जब बारिश होगी तब मुझे घर जाना पड़ेगा। करेले की सब्जी, करेले ना काट कर ही बनाऊंगी मुझे, है ना, क्योंकि मौसम भी ठीक है, ठंडा मौसम है, नहीं तो ये गर्म होता है करेले, मतलब नहीं खपते हैं मेरे को, मैं बनाती नहीं गर्मी में। लेकिन आज मौसम ठीक है, बारिश हुई ना रात को, अच्छा मौसम होगा। उतार लिया इसको ना बारिश कर, और ये भी मैं इसी के अंदर डाल लूंगी, इसको फेंकूंगी नहीं मैं। सारा मैं इसी के साथ डालूंगी, करेले की भुजिया बनाऊंगी, टेस्टी बनती है। और ना मतलब दही के साथ खाओ अच्छी लगती है। लेट हो जाती हूँ, 8 बजे दुकान से आते, उसके बाद ये काट के बनाना, टाइम भी नहीं लगता। अगर आप खूब फ्राई करो ना इसको, बहुत टेस्टी बनती है इसकी भुजिया, अच्छे से इसको खूब फ्राई कर लो ना। वैसे तो अजीब सी लगती है खाने में, हल्का ना इसको मैं उबाल, मतलब गर्म पानी में ना इसको थोड़ा वो करूँगी, मतलब जो सर दूँगी इसको वो पानी गिरा दूँगी, फिर तो कड़वापन होता है ना सारा निकल जाएगा इसको। आज ना मैंने थोड़ा सा चाय छोड़ रखी, पर मेरा मन कर रहा था थोड़ा मौसम ठीक है तो मैं चाय पी लेती हूँ, ब्लैक टी पीती हूँ।
गर्मी में तो इतना बुरा हाल है ना, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे रात को बारिश हुई ना उससे ना काफ़ी फर्क पड़ गया मौसम, फिर गर्मी तो दोबारा हो जाएगी, एक आधी धूप अच्छी सी हो जाएगी ना फिर दोबारा वही गर्मी, पर फिर भी अभी तो ठीक है। जब ठीक है तब का आनंद लो, आगे की किसने देखी कैसी कटती है ज़िंदगी, हमारी तो कटी गई है जैसे कैसे, कभी खुशी कभी गम, परेशान कर बना रहता, एक मिनट के लिए आती है फिर चली जाती है, आती है जाती है आती है जाती है, ससुराल और मैदा बना रहे थे लाइट में, अब इसको थोड़ा गर्म पानी में डाल देती हूँ। तो अब मेरे करेले कट गए हैं और मैंने इधर मतलब पानी गरम रख दिया है और उसको ना थोड़ी देर उबालूँ, उबाल तो मतलब थोड़ा हल्का गरम थोड़ा खोल जाएगा ना उसमें तो उसका कड़वापन निकल जाएगा, और उधर मैंने कढ़ाई रख दी है साथ साथ कढ़ाई भी गरम हो जाएगी और उसमें तेल डाल दूँगी फिर उसको तलूँगी, क्योंकि ये बिना तल ऐसे हल्का तड़का लगा दो ना तो ये नहीं खाते हमारे, और इसको खूब तल के जब कुरकुरे हो जाएंगे ना तब मैं इसको मतलब तब ये खाएंगे, और अगर ऐसे हल्के कच्चे रहेंगे ना ये खाते नहीं ना हमारे, तो मुझे मतलब बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने में, ऐसे ज़्यादा मसाले नहीं डालते क्योंकि करेला तो वैसे भी गर्म होता है। अरे ये देखो उबल गए हैं, और इसको मैं छान दिया है, ये देखो इस पानी को मैं गिरा दूँगी, वैसे पी भी सकते हैं इसको ना अच्छा होता है ये, उधर मैं तेल डाल दूँगी और इनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं डाला तेल क्योंकि तलने हैं ना ये कुरकुरे बनाने हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा पानी भी है इसमें तो टाइम लगेगा इसको तलने में। तेल हो गया गरम, इसमें मैंने हल्का जीरा डाला और इसको मैं फ्राई करूँगी ऐसे ही, तो जब तक ये अच्छे से फ्राई ना हो जाए उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी। थोड़ा टाइम लगता है फ्राई होने में, थोड़े प्याज काट लूँगी मैं, मतलब इसमें डालती हूँ मैं ना करेले में हल्के हल्के लंबे लंबे प्याज ना, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़े थोड़े इसमें डाल लूँगी, अच्छी लगती है फिर खाने को। लंबे लंबे प्याज इसमें डालते हैं ना भुजिया में, अच्छे लगते हैं, दिमाग में नमक मिली डाला मैंने, प्याज में इतने छोटे छोटे आ गए पर बहुत ज़्यादा, मतलब छीलने में ना अच्छा नहीं लगता, छील अजीब सा लगता छीलने छोटे छोटे प्याज,
पड़ोस में मेरे पिटिया को भेजा था, मेरा चल प्याज लेके आ जा। वो लेके आई ना, उसका बच्चों को क्या पता लगता कैसे प्याज लेना। उसने चले जैसे उन्होंने दिए उसने ले लिए। उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भी प्याज आ रहे थे, पूरी इतने इतने से। तो इतनी अच्छी बारिश हुई नहीं भाई, इतना मज़ा आया। ऐसा लगा वो बोलते हैं ना, जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। बस हमें तो बड़ी खुशी के पल थे वो, जब बारिश आई। बस इतने डालूंगी। 2000 years later. के पास खड़े होते तो गर्मी लगती है ना, ऐसे तो ठंडा है, ऐसे पंखे के नीचे तो ठंडा है। और अपने इसमें मैं प्याज डाल दूँगी क्योंकि हल्के फ्राई हो गए तरीके से। ज़्यादा मसाले तो डाल दूँगी इसमें, क्योंकि गर्मी पहले इस करेले गर्म होते हैं। मिर्च डाल दी हल्दी और नमक, और इसमें डालेंगे अमचूर डाल दूँ उसमें, ये अमचूर ना बस इतना ही डालूँगी। अभी धीरे धीरे फ्राई होते रहेंगे सिम आंच में। थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ा इसको क्योंकि सिर्फ फ्राई नहीं हो गया फिर ये खाएंगे नहीं हमारे। मेरे हस्बैंड को उसकी वो दिक्कत, बोल रहे हैं कैसा बना दिया ऐसा बना दिया। तो उसको ना फ्राई करने के लिए थोड़ा तेल डालना है। गर्मी देखूंगी गैस के पास ना खड़ा होना, बस बुरा हाल है। बस अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा, हम दिखाऊंगे जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब बैठे पंखे के नीचे, बहुत गर्मी है बहुत ज़्यादा, किचन में नहीं खड़ा हो सकते। बस पंखे के नीचे राहत है आज।